Hello friends. Good morning. This is Devan Shailo. Welcome to the Modulation Institute. Modulation Institute में आपका स्वागत है. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर. कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेटिक्स के इस क्विक रिवीजन में सबसे पहले तो पूरी तरह मैं आपका स्वागत करता हूँ. सबसे पहली चीज़, आपने अभी तक सारी वीडियोस, आपको होपफुली नोट्स एंड वीडियोस मिल गए हैं, आपने उनको स्टडी भी कर लिया है और ये मेरी उम्मीद है. और आई थिंक आपको कंटेंट पसंद भी आया हो, जैसा आपके फीडबैक एंड कमेंट्स रहे हैं. मुझे अच्छा लगा जान के कि आपको चीज़ कंटेंट पसंद आया, आपको समझ आ रहा है. आपके डाउट्स रहे, आपने पूछे हैं, आपने उसको मेल भी किया हुआ है, आपके कॉल्स भी मिले मुझे और बहुत अच्छा आपका अभी तक की सभी का फीडबैक है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर हम चर्चा करेंगे कि इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर में अगर आपके पास सपोज बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब आप सपोज़ क्योंकि आप सभी वर्किंग हैं MI में और सिलेबस हो सकता है नो डाउटली ज़्यादा है, ठीक है. और कंप्यूटर में थोड़ा सा रहता है कि अगर आपका बेसिक नहीं है तो आपको डाउट्स रहेंगे कंप्यूटर्स में. तो अगर आपको विद इन 15 डेज कोई सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है या क्विक रिवीजन एक कि क्या क्या वो टॉपिक्स होंगे कि ठीक है आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते बट कुछ ऐसा हो जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो, क्रूशल हो, जिससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं या ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 डेज के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करें, है ना. हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम इन 15 डेज ओनली. हाँ, 15 डेज या 1 वीक भी आप कह सकते हो, बट यह है कि आप कितना समय आप उसको दे रहे हो. डेली 1 घंटा देते हैं तो आप 15 घंटे देते हैं. मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा आपको कुछ देना है, ठीक है. आप नहीं, आप पे 15 दिन तो 7 दिन हो सकते हैं, तो 2-2 घंटे देते हैं, 14 घंटे देते हैं, बहुत है भैया. 7 दिन एक हफ्ते में प्रिपेयर हो जाएंगे. और 1 दिन के 14 घंटे अगर आप दे सकें, बट वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डेली 2-2 घंटे या डेली 1-1 घंटा अगर आप भी दे देते हैं तो इतना बड़ा ना तो सिलेबस है ना ही इतना हैवी कंटेंट है कि जो आपको नहीं समझ आएगा, नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है. बड़े आराम से इजी टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हो जाएंगे कवर. तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखते हैं, और किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं. या प्रीवियस ईयर में बहुत, देखिए क्वेश्चंस में वैरायटीज़ बहुत तरीके की आ सकते हैं. क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा या किस तरीके का आया है, तो वो आपके पास सबके पास लगभग 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपने लिए हैं, ले रखे होंगे बहुतों ने, तो उसमें आपको मिल जाएंगे वो. तो बट कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम आज थोड़ा सी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले इस क्विक रिवीजन क्लास में हम 2-3 चीज़ें पे पहले रोशनी डाल लेते हैं कि सबसे पहला कि जब हम बात करते हैं कि MI के अंदर तो पेपर का पैटर्न आपने का अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड किए हैं या आपके पास होंगे, अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर हमने क्लासीफाई किया हुआ है. जो पेपर है दैट इज़ ग्रुप ए में एक आपका होगा, एक ग्रुप बी होगा और एक ग्रुप सी होगा. 3 सेक्शन पेपर के होते हैं आपके, ठीक है. जैसे आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो भी ग्रुप ए ग्रुप बी करके डिवाइडेड रहता है, तो ग्रुप ए के जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन इसमें होंगे, ग्रुप बी से जो क्वेश्चन हैं वो इसमें होंगे, और ये ग्रुप सी में मर्ज होगा, मतलब ए बी से मिला के ही क्वेश्चन होते हैं सिलेबस के ग्रुप ए बी से. तो जो ग्रुप सी है इसमें आपको जो है ना 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स का आपका ये टोटल ग्रुप बी होता है, और ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा, इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना. तो ये बट ये क्या है ग्रुप सी, क्योंकि वो ए और बी का से ही उनको क्वेश्चंस उठे होते हैं, तो अगर आपने ए और बी की प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है तो आपको बड़े आराम से हो जाएगा. ग्रुप ए के अंदर जो क्वेश्चंस हैं आपको, तो वो लगभग 4 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जो पेपर में आपको दिए होते हैं, और आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं विद 20 मार्क्स ईच. जो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल 40 मार्क्स का आपका ग्रुप ए से बनता है, ठीक है ना. और इसी तरह अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे, और यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ भी 2 ही अटेम्प्ट करने थे, ठीक है. तो अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो 20 मार्क्स के होंगे ये आपके सारे क्वेश्चंस, तो दैट इज 40 मार्क्स का ही आपका ये कंप्लीट होगा, और 20 to 40, सो ये आपका एक टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूरा इस तरीके से आपका रहता है.
ठीक है। तो ये तो पेपर का है कि कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से पूछे हुए हैं और वो कैसे कवर अप होंगे। ठीक, तो अब हम इसी में सिलेबस को देखते हुए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको उनको पढ़ना है, किस टॉपिक्स को करना है, किसको छोड़ना, या वैसे तो इम्पॉर्टेंट कब सभी होता है, छोड़ा कुछ नहीं जाता, बट कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको चाहें तो आप छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दें, बट ना किसको आपको ज़्यादा करना है तो वो चीज़ें आपको करनी है। ठीक, तो हम जो सिलेबस की बात करते हैं तो जो आपका ग्रुप ए है तो इस ग्रुप ए के अंदर आपके ना दो पोर्शंस कह सकता हूं मैं, या दो यूनिट की तरह आप इसको मान लीजिए। ग्रुप ए के अंदर एक तो प्रोग्रामिंग है और एक है डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये हमारा इस तरीके से आप यूनिट मान लीजिए, एक यूनिट प्रोग्रामिंग की मान लो, एक यूनिट आप डेटाबेस की मान लो एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक, तो उसमें अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग के केस में, मैं सिलेबस पे आ रहा हूँ अब, ये वो मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया। अब मैं अगर सिलेबस के अंदर आपको डिस्कस कर रहा हूँ तो सिलेबस में ग्रुप ए का पोर्शन है और उस ग्रुप ए के साथ साथ इधर ग्रुप बी भी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप ए में जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको सीधे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ रहा वो कि डायरेक्ट कि ये इफ ये स्टेटमेंट क्या होती है या इस स्टेटमेंट को लगाने से क्या मिलेगा और इसका एक कोई सिंपल सा आपसे प्रोग्राम बनवा रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सीधे सीधे बेसिक इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़नी शुरू की होगी, बिल्कुल आपने अगर पढ़ा है तो उसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिला होगा, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिंकर्स, ये आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी को जाना है। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप इसलिए पढ़ लें क्योंकि इससे आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तब आप प्रोग्रामिंग लिख पाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं या लिंकर्स से, कीवर्ड्स से नहीं पूछे जाते। हाँ, ये एक जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ना ग्रुप सी में, जो छोटे क्वेश्चन हैं उनमें डेफिनेशन ज़रूर पूछी जा सकती है कि आइडेंटिफायर्स क्या हैं, लिंकर्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिंकर्स, ऑपरेटर्स, इनकी आप डिफिनेशंस पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ये आप सब पढ़ सकते हैं फॉर 2 to 4 मार्क्स। ठीक है, तो मैं ये लिखा देता हूँ आपको। तो प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं तो आइडेंटिफायर्स, ठीक है, अब ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा बट मैं बोल देता हूँ क्योंकि आपने अगर वीडियोस देख लिए तो आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। सो आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, और ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब डेफिनेशंस इनकी आप पढ़ सकते हैं और पढ़ें जो आपको 2 to 2 मार्क्स में छोटा ग्रुप सी में इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो बड़ी है या जो बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, जो जैसे हमारे ग्रुप ए में जो पूछे जाएंगे, अब जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने 20 मार्क्स के, है ना, तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, तो एक 20 का ये नहीं कि पूरा वो 20 का ही, उसमें पार्ट हो सकते हैं ना, जैसे ग्रुप ए के अंदर एक फर्स्ट क्वेश्चन तो उसके अंदर ए बी सी ऐसे करके हो सकता है, तो ये 20 मार्क्स का 8, 7, 5 ऐसे हो, 5, 7, 8 हो, कुछ भी वेरिएशन वो हो सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे 20 मार्क्स का होगा पूरा विद उनके पार्ट्स के, वहाँ पे साथ में क्या होंगे, नेम होंगे उसके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक इस तरीके से रहेगा। तो जब हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, किस तरीके से हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर प्रोग्रामिंग में कुछ भी आता है तो वो सबसे पहले टॉपिक्स हैं ऑपरेटर्स इन सी या C++ एंड डेटा टाइप्स इन C and C++। क्योंकि प्रोग्रामिंग में बेसिक डेफिनेशंस वगैरह आप कितनी भी पढ़ लें उसके बावजूद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं वो ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स बनते हैं। तो इससे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं और इस पे क्वेश्चन आते हैं कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, या यूनरी ऑपरेटर का फंक्शन पूछ लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। तो ये टॉपिक हैं जो आपको नहीं छोड़ने, इनको आपको पढ़ना है क्योंकि डेटा टाइप, ऑपरेटर्स वगैरह जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप ये समझ के चलिए कि पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग देखिए अपने आप में बहुत वास्ट चीज़ हो जाती है, तो प्रोग्रामिंग में ऐसा तो है ही नहीं कि छोड़ें क्या या पढ़ें क्या, पर फिर भी अगर आप कुछ छोड़ते हैं तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो आप सरसरी निगाहों में पढ़ सकते हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर भी है, लिंकर्स, कीवर्ड वगैरह, जिससे बस आपको उनकी डेफिनेशन वगैरह याद हो जाए, बट डीप में आपको अगर ढंग से पढ़ने हैं तो डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स को आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि इनसे बड़े क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और बनते हैं।
ठीक। इसके बाद हम जो बात करते हैं, जैसे ऑपरेटर्स में वही यूनरी है, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी में अरिथमेटिक लॉजिकल बिटवाइज हमारे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। और यूनरी में प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमने बताए थे, दो ऑपरेटर हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो यूनरी में आप उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये आपने ऑपरेटर्स की बात की, सिंपली आप इसमें एक आती हैं, दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जब हमने पढ़ाई तो उस टाइम पे भी जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए थे एएमआई के फाइनल टर्म में, वो हमने किए भी थे, परफॉर्म भी किया था। और कंट्रोल स्टेटमेंट से गारंटी के साथ 110% मैं आपको कह के दे रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। कंट्रोल में आपको पता था इफ इफ एल्स स्विच, ये हमारी स्टेटमेंट थी, स्विच स्टेटमेंट है, फोर है, फोर लूप है आपका, व्हाइल डू व्हाइल में डिफरेंस, ये व्हाइल एंड डू व्हाइल ये है, इस तरीके की जो चीजें हैं, गो टू एंड कंटिन्यू, ठीक है ना। तो इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी, जैसे एक क्वेश्चन उसमें आया था कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप और लिस्ट, एक प्रोग्राम या एग्जांपल के थ्रू उसको समझाइए भी। तो व्हाइल एंड डू व्हाइल पे डिफरेंस बहुत है, तीन पेपर्स में मैंने ये देखा अभी तक के लास्ट 10 ईयर्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है ये, तो आपको इसको करना है, व्हाइल डू व्हाइल जरूर करने हैं, लूप में फोर लूप आपको जरूर करना है, स्विच पे आपको करके रहे हैं, मतलब एक बार जैसे, ठीक है आप कर चुके हैं, सभी जो पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छा है, जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया 15 ही दिन है उसके पास, तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आप प्रोग्रामिंग पर अपने 15 में से 5 दिन ज़रूर बिता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको फिर कभी भी ये जो डर था ना प्रोग्रामिंग का, एक हवा होता है, एक खौफ होता है, वो रहेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 दिन में भी वीडियोज़ देख लीजिए आप, ये टॉपिक्स पर देख लो, बाकी मत ही देखोगे, ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट नेम ही क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक। तो ये बेसिक्स हैं कि ऑपरेटर्स क्या थे, डेटा टाइप्स क्या थे, आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप डरते थे ना जिस प्रोग्रामिंग से, अरे ये क्या चल रहा है, हेडर फाइल में हैश आ गया, अरे हैश क्या है, ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, इसका ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ समझ आ जाएगी, है ना, इतने में ही समझ आ जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स तक, ऑपरेटर्स एंड ऑल, यहाँ तक आप प्रोग्रामिंग ज़रूर अच्छे से पढ़ें, इस पर थोड़ी सी पकड़ आप 2 घंटे दे दें 3 घंटे दे दें और 4-5 वीडियो इस पर देख लें, तो आपको इससे फुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट प्रोग्रामिंग का। और इसके बाद चाहे क्वेश्चन एल्गोरिदम डिज़ाइन का हो, चाहे फ्लो चार्ट डिज़ाइन का हो, चाहे प्रोग्राम डिज़ाइन का हो, आपको वो क्वेश्चन आराम से होता चला जाएगा, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट आ गया कि ये ऐसे लगाना है, ये करना है, तो आपको आराम से करने में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहते हैं, इनको ज़रूर आप पढ़ें। इसके बाद मैं अभी इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास एरे एंड पॉइंटर्स हैं, एरे एंड पॉइंटर्स, तो इसका एक टॉपिक है एरे एंड पॉइंटर्स का, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, एरे एंड पॉइंटर्स, कि किस तरीके से एरे होता है और पॉइंटर्स किस तरीके के काम करते हैं। एरे में हमने जैसे बात की थी, जो है क्या बोलते हैं आपका, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, एरे का इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एरे में पढ़ सकते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, दिस पॉइंटर वगैरह, इसका यूज़, ठीक। तो ये टॉपिक्स आपके बेसिक हैं जो इसमें हैं, और इतने आप कर जाएंगे तो आप ये मानिए कि आपको फिर इससे अलग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये 4-5 टॉपिक हैं, ऑपरेटर, डेटा बाइ, कंट्रोल स्टेटमेंट और एरे, बस खत्म, और कुछ मत पढ़िए आप, ठीक है। मत करिए क्लास बनाइए ना कुछ बनाइए, बेशक आप चाहें क्लास व्लास को बना सकते हैं, प्रोग्राम करें, पर इतना तो आपको ज़रूर करना ही है, ठीक है। तो ये बेसिक है जिसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर तो जैसे इसमें एक एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट की बात आई थी, तो देखिए बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट से हैं, क्योंकि जो आपके, अगर मैं 10 इयर्स की बात करूँ ना, 2010 से पहले के जो पेपर्स हैं वो एक अलग ही वेरिएशन में है, 2010 के बाद से चेंजिंग होनी थोड़ी से पेपर्स में शुरू हुई है, और उसके बाद आप अगर लेटेस्ट देखेंगे तो 2014 के बाद से जो पेपर्स हैं वो थोड़े से
जो एक लेवल EMI का नहीं कहते थे टिपिकल लेवल हो गया था, वो थोड़ा सा डाउन हो गया, उस लेवल पे क्वेश्चंस इतने हैवी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आ रहा है कि ज़्यादातर ये पूछते थे कि डिज़ाइन एन एल्गोरिदम स्लैश प्रोग्राम फॉर दिस, या तो एल्गो लिख दो या प्रोग्राम लिख दो, क्योंकि या तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्गो एंड प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है ना। पहले आप एल्गो लिखते हैं, उससे प्रोग्राम डेवलप होता है, और उस एल्गो का ही मूवमेंट फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो एक उसमें हमें कमेंट मिला था और काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये जान के कि आपने फीडबैक दिया, कि थोड़ा सा जैसे मैंने जब ये बोला भी है वीडियोस में भी कि आप चाह रहे हैं कि किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया जाए, तो आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम एंड उस पर आपको सिर्फ एक कंटेंट लिखा था कि एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स आपको पढ़ाने हैं, इससे बहुत ज़्यादा उसको नहीं समझाया गया था। तो मुझे ये बोला कि आप इसको थोड़ा सा जैसे अच्छा सा बता दें, तो मुझे आपको कमेंट मिला बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे एल्गोरिदम आपको पता है क्या है, फ्लो चार्ट पता है, वो भी आपको पता है। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कोई, ठीक है ना, तो वो प्रोग्राम फ्लो कैसे करेगा उसका चलेगा क्या, पहले स्टार्ट आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, उसके बाद वो ये चीज़ चलेगी, रन होगी, ये फ्लो चार्ट था। उसी के एल्गोरिदम हम लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप में लिखनी है एल्गो आपको, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। एल्गो में सूडो कोड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप में लिखें कि स्टार्ट द सीक्वेंस, उसके बाद हम काउंट करेंगे, या जैसे सपोज फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो डिक्लेयर द वेरिएबल, लॉन्ग इंट लीजिए, इंसर्ट द वैल्यू, देन अप्लाई द फॉर लूप में इनिशियलाइज कीजिए, कंडीशन रन कराइए, ये कराइए, घुमाइए, तो वो चीज़ आप बताएंगे उसको, तो दैट इज़ द एल्गोरिदम। ठीक, तो पेपर में क्वेश्चन क्या है कि एक ही क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं बता रहा हूँ 20 मार्क्स का, जिसमें ए पार्ट में लिखा होता है कि डिज़ाइन एन एल्गोरिदम फॉर दिस प्रोग्राम, एंड बी में लिख दिया डिजाइन अ फ्लो चार्ट, एंड सी में लिख दिया डिजाइन अ प्रोग्राम। एक ही क्वेश्चन दिया कि सम ऑफ 10 नंबर्स आपको निकालना है, उसके लिए फ्लो चार्ट बना दो, एल्गो भी बना दो, वो भी बना दो। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ 10 नंबर्स अब आपको निकालना है, तो आपको पता है सम ऑफ 10 नंबर लूप चलना है, फॉर लूप का एन तक, सम एक वेरिएबल लेना है, तो उसके लिए पहले प्रोग्राम आप बना लो, है ना, क्योंकि प्रोग्राम आपने सीख लिया, वो ईजी है, को पहले आ गया। ठीक है, फिर उस प्रोग्राम की एल्गो लिख दो आप, स्टेप जो जो आपने उसमें स्टेप लिए हैं लैंग्वेज बना के, कि पहला स्टेप मैंने ये लिया कि सबसे पहले डिक्लेयर द वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद मैंने एक सम को इनिशियलाइज कर दिया जीरो के साथ, फिर मैंने फोर लूप लगाया, इनिशियल वैल्यू जीरो से शुरू की, उसको मैंने 10 वैल्यूज तक चलाया क्योंकि 10 का सम निकालना था, फिर मैंने सम प्लस समाय कर दिया जिसमें जम जुड़ता रहेगा, वन वन आएगा, वन के बाद टू जुड़ेगा, थ्री जुड़ेगा, इस तरीके से सम होगा वो, तो जो आपने बनाया वो उसको उतना उसी तरीके से, और फिर उसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए मेन कंटेंट्स आपको याद रखने कि डायमंड बॉक्स क्यों यूज़ करेंगे क्योंकि कंडीशन देनी है, स्क्वायर कब यूज़ करेंगे, इलेप्टिकल कब यूज़ करेंगे, वो चीज़ें आपको ही याद रखनी है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चंस इन्हीं के साथ हैं, इसमें कोई नया को टॉपिक कोई इसमें वो नहीं है। जैसे आप कोई अगर पूछे कि एल्गोरिदम में डिटेल्स नहीं है एल्गोरिदम की, आपको कि जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग की डिटेल्स है ना कि इसमें डेटा टाइप, कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह ये सब होते हैं, तो ये कुछ नहीं है, वो एल्गोरिथम स्टेट वो बस सिर्फ यही है कि एक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जनरल स्टेटमेंट में कैसे लिखा जाएगा, दैट इज एल्गोरिदम, और फ्लो चार्ट उसका फ्लो कैसा है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, रन कैसे हो रहा है, चल कैसे रहा है। ठीक, तो जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे यहाँ पर एरे में, पॉइंटर्स में, फॉर लूप में, तो मेरी पर्सनल सलाह आपको ये है कि जब आप उनको डिजाइन कर रहे हैं तो उसी का आप चाहें तो यहाँ जब जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट तक देख लें, तो उसके बाद आप एक वीडियो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट की देखें, तो उससे आपको एक ही वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा एल्गोरिदम फ्लो चार्ट होते क्या हैं, बनते कैसे। ठीक है, फिर आप जब भी एक प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं इनमें से कोई भी, तो उसका एक डेवलप कीजिए, उसका एक प्रोग्राम बनाने से, जब आप प्रोग्राम बना लें तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले एक दिमाग में एनालाइज करते हैं ना कि ये प्रोग्राम में ये चीज़ें मुझे लेनी है, ये करना है, तो वो स्टेप्स को स्टेटमेंट में आप लिख दीजिए, दैट इज द एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम बन गया आपकी। उस एल्गोरिदम को कैसे रन कराएंगे, पहले क्या स्टार्ट होगा, वो कैसे फिर कंडीशन चेक करेगा, ये मूव होगा, ये होगा, वो फ्लो चार्ट बन गया, और उन दोनों से मिला के आप प्रोग्राम बना देना। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट में ये पूछा गया है ज़्यादातर, तो इसके जितना भी, तो इसमें कोई अंदर डिटेलिंग नहीं है, है ना, उन्होंने आपने कहा था कि भी डिटेल्स इसकी आप थोड़ा सा बताएं कि एल्गोरिदम्स में और क्या क्या, तो कोई वैसे फाइनल डिटेल नहीं है इसके टाइप्स या वो सब नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ इतना है कि एल्गोरिदम है क्या और कैसे लिखी जाती है एक छोटा टॉपिक के तौर पे। ठीक, तो बस आप जब भी एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी एल्गोरिदम एक डेवलप करें साथ में। ठीक है, सो ये टॉपिक्स आपके हैं जो मेनली आपको कवर करने ही करने हैं। ठीक है, इनके ग्रुप ए के अंदर जो फर्स्ट यूनिट जिसको हम कह रहे थे प्रोग्रामिंग में। ठीक, इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है डेटाबेस एंड नेटवर्क्स, उसमें आप क्या करेंगे,
ग्रुप ए में ही बता रहा हूं मैं अभी, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स। तो डेटाबेस के अंदर हमने डेटाबेस की बात की थी, डेटाबेस में दैट इज RDBMS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा कर लें। RDBMS के बाद SQL की हमने कुछ कमांड्स किए थे, उसको आप थोड़ा अच्छे से कर लें। SQL के तीन टाइप हैं, DDL, DML और DCL, उनको आप थोड़ा सा पढ़ लें। यहाँ हमने इसका, जैसे जब डेटाबेस का एक आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल एंड कंसेप्चुअल लेवल, उसके बारे में थोड़ा सा, उसके क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो डेटाबेस से बस इतना ही कि दैट व्हाट इज डेटाबेस और SQL एंड ऑल, और उसके बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, एक छोटा सा टॉपिक है बस वो। ये तीन टॉपिक इसमें से अगर आप पढ़ेंगे, इससे अलग इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये तीन क्वेश्चंस ही इसमें से मेन हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में जैसे कीज का कंसेप्ट है बहुत सारा है, ठीक है, तो वो जब आप उसको पढ़ेंगे तो बड़े आराम से उसमें क्लियर हो जाएगा, इससे अलग उसमें कुछ है भी नहीं नया। तो ये तीन ही टॉपिक हैं, RDBMS, SQL और ये, ठीक। इसके बाद नेटवर्क्स, हालांकि बहुत बड़ा है अपने आप में, पर नेटवर्क्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, ये तो सबसे मेन है, OSI एंड TCP/IP। इन दोनों में से एक जरूर आएगा आपको, एनी वन, और सबसे ज्यादा इनमें से कंपैरिजन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP/IP एंड ऑल दैट, या फिजिकल लेवल का काम क्या है, ये कंपैरिजन क्या, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद लैन वैन मैन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज, सिक्योरिटी क्या मीन्स कि उसमें ग्रुप सी का जो पोर्शन है ना, क्योंकि देखो ये बड़े टॉपिक है, ब्रॉड है, इनसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बट जो ग्रुप सी में छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, उसमें आप लैन वैन मैन की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं उसके लिए, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने बात की थी ना, RDBMS, SQL ये बड़े टॉपिक हैं, पर DML, DCL ये छोटी डेफिनेशन हैं जो आप पढ़ सकते हैं, 2-2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो प्रिपरेशन को आप बड़े आराम से ईजिली कर पाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए वो सेटअप करना है या वो करना। मैंने कहा ना डेली का एक घंटा दे दीजिए, आराम से काम हो जाएगा, 15 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। 15 दिन में नहीं कर सकते, 7 दिन दे दीजिए भाई साहब, हफ्ता दे दीजिए, पर 2 घंटे निकाल दो, 14 घंटे में काम हो जाएगा, ज़्यादा करना ही नहीं, बड़े आराम से, है ना। या एक दिन निकाल लो यार, पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं बहुत से लोग होते हैं, पर इतना नहीं करना चाहिए, तो एक दिन का 14 घंटे निकाल लो भाई साहब, निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये कुछ ऐसे हैं इन पे आपको थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा। जब आप एक बार बिता लेंगे, एक बार लिख लेंगे, कहीं नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, बड़े आराम से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये RDBMS, इसमें आप OSI मॉडल एंड TCP/IP, ये बहुत ढंग से आपको करना है, इस पे से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या था, हमने मीडिया भी पढ़ा था, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, कनेक्टिंग डिवाइसेस वगैरह पढ़े थे। तो उसमें एक मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ये इस पे से एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं अभी कुछ आई थिंक 2 ईयर के जो रिसेंट 2 या 3 ईयर्स के पेपर्स देख रहा था, तो उसमें इसमें क्वेश्चन आया हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वो भी आप करें, क्योंकि ये तीन मेजर टॉपिक्स इसमें से हमारे बन जाते हैं, और इनमें से आपको क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो TCP/IP है, OSI मॉडल है, इन पे आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हमारा एक पूरा रहता है ग्रुप ए से, यानी कि ग्रुप ए में ये सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जिसको आप विद इन 7 डेज खबर कर लो, 7 घंटे दे दो, 7 दिनों में दे दो, चाहे 1 दिन में दे दो, पर दे दो, ठीक है। जिसमें आप 4-5 घंटे तो यहाँ दे दो, 2 घंटे यहाँ भी दे दो, चल जाएगा, बट क्यों इतना हार्ड नहीं है, बड़े आराम से ही आपको समझ आ जाएंगे, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अच्छे टॉपिक्स हैं, इनको आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किस तरीके से 15 डेज में तैयारी करेंगे अपने पूरे के पूरे टॉपिक्स की या सर्व की। अब हम ग्रुप बी की अगर बात करें, तो जैसे ग्रुप ए में ये क्वेश्चंस था, तो जैसे ये 4 क्वेश्चन होंगे ना, तो 2 क्वेश्चन तो करीब इस यूनिट से होंगे, 2 क्वेश्चन डेटाबेस वाले से इससे होंगे, तो इन 2 में से 1 करना होता है, ये 2 में से 1, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से, ठीक है, तो 20, तो आप ये मान के चलो कि इस तरीके से आपका ये पैटर्न होगा। अब मैं अगर ग्रुप बी की बात करता हूं, तो ग्रुप ए तो हो गया हमारा, आप ग्रुप बी देख लीजिए। तो ग्रुप बी में भी हमारे पास 2 ही, इसको यूनिट वाइज अगर मैं कहूं तो टोटली इन्होंने ऐसे 4 यूनिट्स बना दिए, एक कंप्यूटर बेसिक है जिसमें हार्डवेयर भी है, और एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर बेसिक्स में आपके लिए हार्डवेयर में अगर मैं बात कहूं, तो हार्डवेयर में एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स एंड ऑल, ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन। ये अब यहाँ लगभग थ्योरी ज्यादा है, तो इसको ना, और इसको पढ़ने समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये कंप्यूटर आप कहीं ना कहीं डेली टू डेली लाइफ में यूज भी करते हो, तो इसलिए बड़े आसान से आप उसको इजिली ग्रैप भी कर पाओगे, है ना। जैसे उसमें हमने बात की थी अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी कुछ ना कुछ आप थोड़ा थोड़ा यूज करते हो, लैन वैन मैन करते हो, कहीं कुछ करते हो, तो वो चीज़ें आपकी जल्दी समझ आ जाएंगी। पर वैसा ही वगैरह आपने नहीं जाना, तो उन पर थोड़ा अच्छे से डीप पे अगर आप पढ़ेंगे तो बड़े आराम से वो क्लियर होगा। ऐसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हैं, इनपुट एंड आउटपुट, ये आपको थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपके अच्छे से होने चाहिए। उसके बाद और एक हमारा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, दैट इज नंबर सिस्टम एंड बूलियन, जिसमें हमने कन्वर्जन किए थे नंबर सिस्टम एंड बूलियन, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। बूलियंस हैं, गेट्स हैं, ये आपको ज़रूर करने हैं क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता ही मिलता है, ठीक है। इससे आपको एक बार, क्योंकि भी पूछा जाता है कि कैसे काम करेगा, क्या है ये, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। गेट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, है ना। अगर मैं इन सब में भी वेरिएशन करूँ तो फ्लिप फ्लॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और जिसमें गेट्स इम्पॉर्टेंट हैं और बूलियन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप वेरिएशन कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहली फ्लिप फ्लॉप को है, बट इनको समझने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको इनके लिए निकालना पड़ेगा। इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं कर सकते। एक बार को हार्डवेयर या वो वगैरह इसलिए कर लो कि देखे हुए हैं, पढ़े भी हुए हैं, थोड़ा बहुत एक दो बार देखोगे ना वो इजिली समझ आ जाएगा, पर इस पर टाइम निकालें तो ये आपको ज़रूर करना है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक। इसके बाद इसमें और कुछ तो बनता नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू, मेमोरी, मेमोरी में आप पढ़ सकते हैं, तो रैम एंड रोम मैंने बताया था, जिसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम में डिफरेंस आप पढ़ लें, ये डिफरेंस पूछा जाता है और पूछा भी गया, और अगर रैम पूछे तो ये दोनों भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, बाकी तो इसमें और नया कुछ नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम हार्ड डिस्क पढ़ सकते हैं, हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है बस, बाकी बेशक ना भी पढ़ें, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमारे मेन इसमें बन जाते हैं, हार्डवेयर एंड और सब। सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम जब बात करते हैं, सॉफ्टवेयर्स में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है हमारा, ठीक है। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस क्या होता है, सबसे पहले तो क्यों होता है, ठीक है। तो ओएस आप इसका नीड एंड फंक्शन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि क्या क्या काम करता है, नीड एंड फंक्शन क्या है। उसके बाद टाइप्स, कितने टाइप का है एंड उसके यूजेस क्या हैं, तो इसके आई होप आपको नोट्स मिल गए होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी इसके नहीं मिले हैं तो वो अभी आपको मिल भी जाएंगे, आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। देन नीड एंड फंक्शन आप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ें एंड इसके टाइप्स भी पढ़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं थियोरेटिकली। इसके बाद हम जब बात करते हैं, सपोज अगर हम जो इंपॉर्टेंट और इसमें क्या बनता है, जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, तो आप इसमें जो पढ़ सकते हैं, एक तो विंडोज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़ा यूज है वो, डॉस पढ़ सकते हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, और यूनिक्स भी है। बट मैं अगर वेरिएशन करूं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सबसे पहले इसको पढ़ें, इसको पढ़ें, वो ना मिले तो भी पढ़ लें, टाइम मर्जी है, ना छोड़ भी दोगे तो भी लिख ही दोगे, इतना बड़ा उसमें से कुछ नहीं पूछते, ठीक है। इसके बाद जो इसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर्स, ट्रांसलेटर वगैरह हैं, और इसमें कुछ नया ऐसा दिया नहीं है, ठीक। तो ये पूरा आपका यूनिट ग्रुप बी का पोर्शन है, तो देखेंगे आप ग्रुप बी का ना थोड़ा पोर्शन छोटा है, कम है कंटेंट, तो आप चाहें तो पहले ग्रुप बी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिर ग्रुप ए की कर दें। बट अगर आप या टाइम है तो मैं तो वही कहूँगा कि प्रोग्रामिंग को थोड़ा वक्त दे दें,
5 क्लासेस दे दें, उसको घंटे दे दें, टाइम दे दें, दिन दे दें, या जैसा भी आप अवेलेबल है वैसा आप कर लें, तो विद इन 15 डेज आप ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ये मेन मेन टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे भी तो आप में अच्छा स्कोर करने के, अच्छा का मतलब मैं टॉप भी बोल रहा हूँ, कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे। ग्रेड ए से आप इसमें अच्छे से स्कोर करेंगे, मैं ये आपको पूरा दावा है, ठीक। सो 15 डेज के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करें, ये सारा हमने आज देखा, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने चाहिए, किन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कैसे पेपर्स में गए, ठीक है। और अच्छा लगा ये जान के कि आपने वीडियोस को पसंद किया है, लाइक भी किया, आपके कमेंट्स में फीडबैक हमें मिले, और हम जो क्वेरीज हैं, आई होप जिन्होंने मुझे संपर्क किया, कॉन्टैक्ट किया है फ़ोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से भी, मैंने उन्हें क्वेरीज उनकी लगभग सॉल्व हुई हैं, बताया भी है, डाउट्स भी उनके क्लियर हुए हैं, और आई होप उसके बावजूद आपको डाउट्स रहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड बहुत अच्छा है, मुझे लगा ये जान के इंटरेक्टिव हैं आप सभी, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इससे आपको मदद मिलेगी। और विद इन 15 डेज या विद इन अ वीक आप कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सिर्फ जिनको पढ़कर आप पास हो जाएंगे, बाकी टॉपिक्स आप स्किप भी कर सकते हैं, तो इन टॉपिक्स के अलग आपको पर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रुप ए बी में हमने जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात की, तो जब आप ग्रुप ए की बी की प्रिपरेशन कर लोगे तो ग्रुप सी में जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो जाहिर सी बात है इससे कवर हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में से डेफिनेशंस में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस वगैरह वो उसमें पूछी जाती हैं, और उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता। ग्रुप सी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आप प्रीवियस 10 ईयर्स तो वैसे कर सकते हैं, बट 10 बहुत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 5 ईयर्स भी कर लोगे तो भी आप जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन उतना कोई सॉल्व कर दो, तो मैं कह रहा हूँ 8 कम से कम, क्या पूरे 10 भी उसी में से 5-7 सालों में से रिपीट हो जाते हैं 10 के 10, ठीक है। तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर लो तो बड़े आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत लेनी नहीं है, टेंशन भी लेनी। देखो एक नॉर्मल चीज़ ये होती है कि आदमी को ना डर होता है प्रोग्रामिंग और ये कंप्यूटर में, पता नहीं जनरल लोग ऐसे डर जाते हैं, सब मुझे सुनने में आया, बट ऐसा नहीं है, बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, आप इसको मजा लेके पढ़ोगे तो बड़ा मजा देगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं कि पेपर कैसे आपको लिखना है ना, प्रेजेंटेशन का देखो आजकल का दौर है, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, आजकल तो फ़ोन तक स्मार्ट हो गया, तो आपको भी होना पड़ेगा ना, तो फ़ोन जब स्मार्ट है तो आपको भी बनना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेबल दुनिया का दौर है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो आपकी आंसर शीट भी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आप टीचर के सामने नहीं होते जब एग्जामिनर आपकी शीट चेक कर रहा होता है, मैं खुद बता देता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, तो जब बच्चों की शीट हमारे आगे है तो हम उसमें बच्चा तो नहीं है ना, शीट है, वो शीट आपका वो आपके बारे में बताती है कि आप क्या होगे, क्या पढ़ के आए हो, कितना बताए, तो आपका पहला आंसर हमेशा बता देता है टीचर को कि आगे तक क्या जाएगा। पहले आंसर में अगर टीचर को मजा आ गया, मैं बता रहा हूँ ये दावे के साथ, तो एंड तक मजा आएगा, ये गारंटी है, ठीक है, आपके नंबर्स वहीं से डिसाइड हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हर कोई आपको बताता भी है, इतना तो आप नहीं तो कि भाई आपको जो है पहला आंसर वो लिखिए जो आपको अच्छे से आता, सबसे अच्छे से बिल्कुल कीजिए, वही कीजिए, मैं भी वही कह रहा हूँ, वही करना है, बट कैसे करना है। एक सलाह मैं हमेशा देता हूँ कि आप ये मान करके पेपर लिखिए कि जो एग्जामिनर चेक करेगा उसे कुछ नहीं आता, ऐसा मान लेना, सच में मत सोच के बैठ जाना, पता चला कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो ऐसा सिर्फ मान लीजिए कि उसे कुछ नहीं आता, सब कुछ आपको ही उसे समझाना है, वो एक बच्चा है ये मान लो, और आपको उसे हर बात बतानी है, समझानी है, तो आप इस तरीके से पेपर प्रेजेंट किए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज नम, सपोज ये स्टैटिक डायनेमिक रैम ही पूछ लिया, या नंबर सिस्टम का, चलो कोई नहीं, थ्योरी ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे थ्योरी लपेटना शुरू कर देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होती है, बहुत ज्यादा नहीं लपेटना, व्हाट इज स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम पूछ लिया डिफरेंस, तो आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, सबसे पहले पॉइंट में एक इंट्रो लिखिए, व्हाट इज रैम एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, रैम ये होती है, इसके दो टाइप है, स्टैटिक डायनेमिक, खत्म। अब उसको इंट्रो आपने क्लियर कर दिया, टीचर को पता चल गया कि ये जब इसको टाइप, ये इसके टाइप है तो इसको पता है डिफरेंस लिखना, एक एरो डाला स्टैटिक इधर, डायनेमिक इधर, रैम, 5-5, 10-10 डिफरेंस आपने उसके उतार दिया, आराम से एक पेज पे आपका आंसर खत्म हो गया, बड़े आराम से, और आपको वहां उसी उतने पे ही पूरे 5-6 नंबर मिलेंगे जितने का क्वेश्चन होगा। मैं ये नहीं कहता 10 पेज भरोगे तभी 6 मिलेगा, या पेज भरने पे नंबर कभी नहीं मिलते हैं आपको, कंटेंट पे नंबर मिलते हैं, आप कितना अच्छा कंटेंट दे पा रहे हो, प्रेजेंटेशन क्या है आपके कंटेंट की। बहुत से लोग हैं कंटेंट भी बहुत लिख रहे हैं, उनको पता भी है पर सही बात नहीं पकड़ रहे होते, घूम रहे होते हैं इधर उधर इधर उधर, एक वर्ड होता है, एग्जैक्ट वर्ड मिलते ही टीचर को लगता है हाँ इसको पता है, इसको पता है स्टैटिग्राम क्या, इसको पता ही है क्या, 5 नंबर आपको पूरे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक प्रेजेंटेशन का दौर है, आप भी प्रेजेंटेबल बनिए, अपने आंसर को ऐसा प्रेजेंट कीजिए कि टीचर को आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस आंसर से, दैट इज द वे टू रिटर्न योर एग्जाम, ये तरीका है कि आप पेपर किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपको करना है और ये जरूरी है ये करना।
ठीक है ना। तो किस तरीके से आप उसको लिख रहे हैं, तो सबसे पहला मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टार्टिंग में। जैसे जब आप ज़्यादातर हम थ्योरी के क्वेश्चंस में ये चीज़ करवाते हैं, क्योंकि थ्योरी में बच्चे ना भरने लग जाते हैं, भरना नहीं, एक इंट्रो दे दो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस। उसके बाद प्रिसाइजली जो पॉइंट पूछा उस पॉइंट पे लाओ और फटाक इंट्रो में, क्या इंट्रो में आप वो बता दो कि ये सब मुझे और पता है, ये चीज़ होती है इसके अंदर और ये इससे बना, खत्म, इंट्रो खत्म। उसके बाद प्रिसाइज पॉइंट लाओ, ये चीज़ होती है और एक्सप्लेन करो, खत्म, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हैं या वो हैं, तो मैं आपको सिंपल बता दूं, देखो प्रोग्रामिंग ना मैथ की तरह चेक होती है, जितना अटेम्प्ट करोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको। प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आ रहा, मानो आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा प्रोग्राम आ गया कि क्या करें, तो अटेम्प्ट तो ज़रूर करो। हेडर फाइल आपने लिख दी, नंबर उसके भी हैं, एक आपने डिक्लेरेशन की, वेरिएबल बनाया, ये बनाया, फंक्शन बनाया, उसके भी नंबर हैं, ठीक है। हो सकता है आपका लॉजिक गलत लग गया हो, तो उसका सपोज अगर आपका 10 मार्क्स का प्रोग्राम है तो लॉजिक गलत होने के 3 से 4 नंबर कट जाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आपने फंक्शन डिक्लेरेशन की है, वैल्यूज़ बनाई हैं, वेरिएबल बनाया है, प्रोग्राम में इतने मेथड्स आपने यूज़ किया, तो वो जो जो सही है उसके पूरे नंबर आपको मिलते चलेंगे। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम देखा, अरे समझ नहीं आया, छोड़ दिया। अरे प्रोग्राम आया कि चलो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एडिशन करना है, तो आपको इतना तो पता है ना मैट्रिक्स हो है कैसे, एरे लेना है, एक एरे ले लेंगे, ये 2 मैट्रिक्स एंटर करा देंगे, चलो ठीक है। आपका एडिशन का लॉजिक गलत हो सकता है, काफ़ी बार होता है बच्चों को नहीं समझ आया क्या रहेगा, या मल्टीप्लिकेशन करना नहीं लॉजिक समझ आया, पर मैट्रिक्स तो लो, इनपुट करो 2 मैट्रिक्स को, वो तो आपको सिंपल फॉर लूप लगाना, उनका मल्टीप्लिकेशन करा दो, एडिशन करा दो, उसके बाद डिस्प्ले करा दो, जितना है उतना करो। जो लॉजिक हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ें गलत होंगी, नहीं आप एक फिक्स पॉइंट पे, तो उस लॉजिक के उतने ही नंबर कटेंगे, पर जो आपने बाकी मेथड्स लगा दिए, बाकी चीज़ें कर दी, उसके पूरे सही नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, प्रोग्रामिंग कैसे लिखें ये भी एक आर्ट है ना। और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ये जान के कि भी क्या है, या एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट आ गया है, या मैंने तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा, उसमें जो लॉजिक लग रहा है वो गलत हो जाएगा आपका, ज़्यादा आप कंसेप्ट सही नहीं लगा पाओगे, सिंटैक्स सही नहीं बैठा पाओगे, पर कुछ चीज़ें तो सही हैं, कुछ तो सही करोगे, उतना तो लिखो उसके उतने नंबर मिलेंगे, है ना। स्टेप है, एल्गो है, वो लगाओ, उसको लिखो, ठीक है। तो ये आपको एक पेपर को प्रेजेंट बनाता है, ऐसा आपको पेपर प्रेजेंट करना है, ठीक। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ डाउट्स आपके रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपके डाउट्स रहते हैं आप कमेंट्स में लिखें, फीडबैक लिख दें हमको, हम एक वीडियो और बना लेंगे विद इन 15 डेज, अगर आपको हो जाता है उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, अगर ऐसा टाइम मिलेगा तो। बट कोई बात नहीं, आई होप, मैं मानता हूँ कि आपको डाउट नहीं आएगा, ये टॉपिक्स आप इतने पढ़ लें। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप इसी तरह इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज़ और ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप फीडबैक अपने ज़रूर देंगे, कमेंट्स में आप लिखेंगे, बट जितना भी जैसे सपोज अगर आप पहली बार यही वीडियो देख रहे हैं कि 15 दिन में कैसे प्रिपेयर करें, और आपने अभी तक सेल्फ स्टडी किया है और आपने लेक्चर्स अगर नहीं लिए हैं, तो आप जो नीचे दिए नंबर आपको मिल रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लगभग प्रोग्रामिंग के कुछ 20-25 लेक्चर्स हैं, उसके बाद लगभग 45 लेक्चर्स का आई थिंक सेट है, जिसको आप देख भी लेंगे, 15 दिन में हो भी जाएगा। अगर 15 दिन में आप ये टॉपिक्स के लेक्चर्स देख लीजिए तो भी आपको वो पूरा कवर अप हो जाएगा, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा दिक्कत ऐसा नहीं आएगा। उसके साथ साथ इस बार हमने एक नई चीज़ प्रिपेयर की है जो आपके लिए सभी को अवेलेबल होगी और बहुत अच्छा है, वो ये है कि हम इस बार एक ना क्वेश्चन बैंक भी हमने सीरीज बनाया है, जिसमें हर चैप्टर के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से हमने कि प्रोग्रामिंग के पिछले 10 ईयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो, और उसके साथ साथ वो रेडी किए हैं। तो अगर आप अभी पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको अभी तक आपने सेल्फ स्टडी किया है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं लिया है मॉड्यूलेशन से आपने, तो आप ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबरों पे नीचे, तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और साथ के साथ वो क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा, तो आप वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सपोज आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने अभी गेट्स पढ़े हैं या नंबर सिस्टम आपने अभी पढ़ा और आप चाहिए प्रैक्टिस करनी है, तो आप तुरंत वहां से उस चीज को इजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो बड़ा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा भी है। और कुछ ऐसे लोग जो शायद इस बार अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहे या नहीं दे रहे हैं, या अगली बार वो अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरी सलाह ये है कि 15 दिन में, बेशक मैंने बोल दिया कि 15 दिन में हो जाएगा, पर आप ये मत कीजिए कि 15 दिन का ही टाइम लेके बैठे रहें। अगर आप अगले साल अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो आप वीडियोज़ ले ली, अगर आपने ले ली हैं तो बहुत अच्छा है, आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, नहीं लिए तो आप अभी वीडियोज़ ले लीजिए और आप जो है उसकी तैयारी फिर आप एक अलग लेवल पे फिर शुरू कीजिए। पर्टिकुलर वीडियोज़ देखिए, उस पर टाइम दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर अगले टॉपिक
टॉपिक पे चलिए और आप सारा करिए, आपके लिए ये अलग करने की जरूरत नहीं है, तो आप और अच्छा उसको स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल जो मेरी 2-3 सलाह हैं, ये आप मानेंगे तो बड़े अच्छे से आप प्रोग्रामिंग में स्कोर कर पाएंगे और डरने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लेके, और जो AMI का इस बार अटैम्प्ट देने जा रहे हैं या आगे भी देंगे, उन सबको मेरी तरफ से गुड लक, ऑल द बेस्ट। और आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए और वीडियोस लीजिए, देखिए उनको, अपने फीडबैक दीजिए हमें, कमेंट्स में लिखिए, आपके डाउट्स होते हैं पूछिए, क्वेरीज, हमें बड़ा अच्छा लगता है अगर आप क्वेरीज पूछते हैं और उनको हम सॉल्व कर पाते हैं, या कुछ नया इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, हम मुझ में चाहते हैं या वीडियोस में चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। सो उसके लिए आपका पूरा स्वागत है, वेलकम है आपका, एंड सो फ्रॉम माई साइड थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू, ग्रेट।